अब दिख तो रहा है पर बहुत छोटा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस जेड करके हम लोग जूम करेंगे, और देखिए हम लोग ये बिल उसको देने वाले हैं, किसको, जॉय ट्रेड्स को। हाय, दिस इज आरएस एंड वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि कैसे आप ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डिस्काउंट एंड अलाउंसेस का एंट्री टैली में पास करें। सो टैली ओपन हो चुका है। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक। और आज हम यही सिचुएशन के साथ डील करने वाले हैं। तो हमारा पहला काम ये रहेगा आरआर ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट प्लस के, देन देखिए ऑलरेडी क्रिएट पे सिलेक्टेड है, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। एंड देन देखिए स्क्रीन में जो जो डिटेल्स है आप देख देख क्लिक दीजिए। देखिए यहाँ पर स्टेट का मेंशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या फिलहाल यहाँ कोई काम है नहीं। अच्छा, अगर आप देखिए यहाँ पर जो जो एरियाज यहाँ पर हाईलाइटेड है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं देन देखिए मैं आई बटन पे लिंक दे चुका हूँ, मैंने उस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। देन आप एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एल्स कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑटो सेव। देन आपको सिंपली एंटर करते हुए एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है और इसे यस कर देना, एंटर जीएसटी आईएन लिख दीजिए 19, देन आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है, फिर से आपको कंट्रोल ले करना है फॉर ऑटो सेव। अब देखिए क्रिएट भी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है एंड डाउन एरो की प्रेस करते हुए आपको स्टॉक आइटम तक पहुंचना है, एंटर। एंड देन आप यहां से देख देख के आइटम क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। पहला क्या है, हार्ड डिस्क, तो लिखिए आपको एंटर करते हुए यूनिट्स तक पहुंचना है। यूनिट्स मतलब क्या होता है, जो सामान का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है हार्ड डिस्क और जो भी है रैम, तो इसको मेजर करने के लिए कोई एक टर्म का जरूरत पड़ता है कि नहीं, वही टर्म को हम लोग यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस में हम लोग मेजर कर रहे हैं, पीसेस में, तो बनाइए पीसेस। देखिए ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए वहां तक पहुंचना है और एंटर। यूनिट क्या है देखिए, पीसीएस, तो लिखिए पीसीएस और आपको एंटर करते हुए यूनिट क्वांटिटी कोड तक पहुंचना है, यहाँ पर होगा नंबर्स NO, और देखिए ऑलरेडी आ चुका, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है, अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं होगा। आपको एंटर करते हुए सीधा सेट स्टैंडर्ड रेट्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है एंड एंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे हम सामान खरीद रहे हैं, हम मतलब आरआर ट्रेडर्स, क्योंकि हम एज एन अकाउंटेंट आरआर ट्रेडर्स का अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, तो वो कितना में सामान खरीद रहा है, हार्ड डिस्क कितना में खरीद रहा है वो देखिए 3500, तो लिख दीजिए 3500। एंटर करते हुए आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का रेट कलम तक पहुंचना है, और सेलिंग प्राइस मतलब कितना में आरआर ट्रेडर्स सेल करने वाले हैं, कितना में देखिए 6500। देखिए एंटर करते ही पर के नीचे ये पीसीएस आ चुका है, मतलब पर पीस का दाम है 6500। ओके, आपको एंटर करते हुए ये कॉस्टिंग मेथड आपका ऑलवेज स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है, तो लिखिए एस और एंटर। एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस पे होता है, एस और एंटर। और आपको एंटर करते हुए जीएसटी एप्लीकेबल, यस ऑलरेडी एप्लीकेबल है, आपको फिर से एंटर प्रेस करना है, और देखिए यहाँ पर नीचे सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये आपको वाई प्रेस करके यस कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में हार्ड डिस्क ही होगा, तो लिखिए हार्ड डिस्क। और आपको एंटर करते हुए एचएसएन नंबर क्या है देखिए 3098, और आपको एंटर करते हुए टैक्सेबिलिटी तक पहुंचना है, एग्जेम्प्ट मतलब जिस सामान पे आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, हमें तो करना ही है, सो डोंट। नील रेटेड नहीं, नील रेटेड मतलब जिसमें हम टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब जीरो जीएसटी, हमें तो टैक्स लगाना है। नीचे टैक्सेबल, यस टैक्सेबल होगा, आपको एंटर करते हुए इंटीग्रेटेड टैक्स तक पहुंचना है, इंटीग्रेटेड टैक्स। अब देखिए गवर्नमेंट ये जो हम आइटम्स का बिजनेस करने वाले हैं, ये जीएसटी 18% स्लैब रेट में रखा गया है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 18% लिखना है, एंटर करना है। टाइप ऑफ सप्लाई, यस ऑफ कोर्स आप गुड्स ही है, और आपको एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचना है, ओपनिंग बैलेंस मतलब कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, देखिए कितना है 10 पीसेस, तो लिखिए 10, एंटर प्रेस करना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। दूसरा क्या है, रैम, तो बनाइए रैम, और आपको एंटर करते हुए सिमिलर यूनिट्स तक पहुंचना है, पीसीएस, देखिए पीसीएस ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, कैसे बना, क्योंकि हम लोग पहले एक बार बना चुके हैं, ये पीसीएस ऑलरेडी है, ये नॉट एप्लीकेबल होगा। सेट स्टैंडर्ड रेट्स, आपको ये फिर से वाई करना है, यस स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कितने में हम लोग सामान खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं 1200, वेरी गुड। आपको एंटर करते हुए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस तक पहुंचना है, और कितने में हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 2500, और आपको एंटर करते हुए कॉस्टिंग मेथड, तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पे होता है, और मार्केट वैल्यूएशन मेथड स्टैंडर्ड प्राइस पे होता है। आपको एंटर करते हुए सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स तक पहुंचना है, वाई प्रेस करना है, एंटर करना है, और डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए रैम,
एचएसएन नंबर क्या है 3099। एंटर प्रेस करते हुए टैक्सेबिलिटी तक पहुंचना है, ये होगा आपका टैक्सेबल। और डाउन एरो की प्रेस करते हुए वहां तक पहुंचना है और एंटर एंटर। एंड इंटीग्रेटेड टैक्स ये होगा आपका 18% जीएसटी स्लैब रेट में रखा गया, तो यहाँ पर होगा 18%। को एंटर प्रेस करना है, ये ऑफकोर्स ये गुड्स है। एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस तक पहुंचना है, क्वांटिटी मतलब कितना पीस हमारे पास पहले से अवेलेबल है 10। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। देन आपको एस्केप की प्रेस करना है और आपको अप एरो की प्रेस करते हुए लेजर्स तक पहुंचना है। लेजर्स में पहुंचते ही सबसे पहला काम आपका ये रहेगा परचेस लेजर क्रिएट करना, तो लिखिए परचेस पहले लिखेंगे। आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, ये होगा आपका परचेस अकाउंट के अंडर में। और आपको एंटर करते हुए सीधा टाइप ऑफ सप्लाई तक पहुंचना है, ये होगा हम लोग का गुड्स। और आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर देना है। देन सेल्स, परचेस के बाद आप बनाएंगे सेल्स। अंडर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, ये होगा सेल्स अकाउंट के अंडर में, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स। और आपको कंट्रोल ले करके ऑटो सेव कर देना है। और नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे अब क्या सीजीएसटी कितना परसेंट, 9% सीजीएसटी 9%। ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में। टाइप्स ऑफ ड्यूटी ये ऑलवेज ऑफकोर्स जीएसटी होगा। टाइप टैक्स ये सेंट्रल टैक्स है क्योंकि ये सीजीएसटी है, ये 9%। यहाँ पर हम CGST 9% एंड SGST 9% इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम जिसका अकाउंट्स हम मैनेज कर रहे हैं जो कि है RR ट्रेडर्स का, वो जिस आइटम्स से डील करता है मतलब बिजनेस करता है, उस आइटम को गवर्नमेंट ने 18% GST का स्लैब रेट में रखा है। और जबकि और देखिए क्वेश्चन में देखिए, वो जिसको सेल कर रहा है वो भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है और ये खुद भी वेस्ट बंगाल में ही है, तो ये विद इन द स्टेट सप्लाई हो रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में टू टाइप्स का जीएसटी लेवी होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये जीएसटी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, आधा चला जाता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल टैक्स, एंड आधा चला जाता है टू स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेट टैक्स। और आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है। अब हम लोग बनाएंगे एसजीएसटी, तो लिखिए एसजीएसटी कितना परसेंट, 9%। एंटर करते हुए ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑलरेडी है, जीएसटी यहाँ पर होगा, ये होगा आपका स्टेट टैक्स एंड ये होगा 9%। और आपको कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है। देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको एस्केप की प्रेस करना है और यहाँ से निकल जाना है। अब सोच लीजिए पहला दिन ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन अब सोच लीजिए आप अकाउंटेंट है और आपका आज से ड्यूटी स्टार्ट होता है। देन पहला ही आपका कस्टमर आया जॉय ट्रेड्स, तो आपको तो पता नहीं जॉय ट्रेड्स आने वाला था, तो आप अच्छा जब ऐसा सिचुएशन आए तब आप कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, ऐसे इस समय में आपको करना पड़ेगा इंस्टेंट लेजर क्रिएशन। ऑल्ट प्लस सी प्रेस कीजिए फ्रॉम कीबोर्ड फॉर इंस्टेंट लेजर क्रिएशन। एंड देन क्या नाम है, जॉय ट्रेड्स, जॉय लिख दीजिए। आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, जो हमसे सामान खरीदे होगा हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स की। मेंटेन बिल बाय बिल यस, ये ऑफकोर्स आपको यस करना है। एड्रेस क्या है देखिए, तो लिख दीजिए जो है एड्रेस। और आपको एंटर करते हुए रजिस्ट्रेशन टाइप तक पहुंचना है, ये देखिए ये जब आप कब कैसे समझेंगे कि ये रेगुलर डीलर है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन है या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर है। ये हमारा है रजिस्टर्ड डीलर क्योंकि इसका जीएसटी नंबर गिवन है, तो रजिस्टर्ड डीलर है तो यहाँ पर रेगुलर है। आप कुछ नहीं करना है, आपको एंटर प्रेस करना है। जीएसटी आई एन जो नंबर है बता लिख दीजिए 19UNZS। और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो अब हम सेल कर रहे हैं, F8 प्रेस करके हम लोग सेल्स वाउचर ओपन करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में होगा जॉय ट्रेड्स। ये डिस्पैच डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम लोग EUA बिल समझेंगे तब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, फिलहाल हम लोग इसे स्किप कर देते हैं। पार्टी डिटेल्स ये आपको कंट्रोल ए करके ऑटो सेव कर देना है। नेम ऑफ आइटम, क्या क्या सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या सेल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क, तो लिखिए H, एंटर। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा, क्वांटिटी 5 पीसेस। और देखिए एंटर प्रेस करते ही हमारा रेट आ चुका है 6500 का। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कैसे, राइट जब हम आइटम क्रिएशन कर रहे थे तब हमने रेट मेंशन किया था, याद है इफ यू रिमेम्बर, या आपको एंटर करना है, फिर एंटर करना है। पर्टिकुलर्स में होगा सेल्स क्योंकि हम लोग उसे सेल कर रहे हैं। देन आपको एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। और दूसरा आइटम क्या सेल कर रहे हैं, रैम, तो लिखिए कितना पीस सेल कर रहे हैं, 5 पीसेस, वेरी गुड। आपको एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। ये पर्टिकुलर्स में आपका सेल्स होगा। अब क्या देखिए, अब है पैकिंग चार्जेस, तो पैकिंग चार्जेस कैसे करेंगे, Alt प्लस सी फॉर इंस्टेंट लेजर क्रिएशन, और यहाँ पर लिख दीजिए पैकिंग चार्जेस। देन आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, पैकिंग चार्जेस होगा आपका एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ चुका है, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए एक्सपेंस इनडायरेक्ट तक पहुंचना है और देन आपको ये कंट्रोल लेकर के ऑटो सेव कर देना है। देन आपको एंटर प्रेस करना है, अमाउंट कलम में लिखिएगा कितना है, 3000 रुपीज, तो लिख दीजिए 3000। देन आपको एंटर प्रेस करना है। अब
देखिए डिस्काउंट अलाउड। अब वो बोल रहा है कि जो जॉय ट्रेड्स है, वो बोला कि मैं तो इतना सारा सामान ले रहा हूँ, डिस्काउंट प्लीज। तो हम लोग ठीक है, कस्टमर को खुश रखना ये हमारा काम है। तो ऑल्ट प्लस सी करके हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, किसका, डिस्काउंट अलाउड, DI। आपको एंटर करते हुए अंडर तक पहुंचना है, डिस्काउंट अलाउड होगा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देन आपको एंटर प्रेस करना है और आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है। अब रेट के कलम में हम लोग कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखिए डिस्काउंट दे रहे मतलब क्या, मैं जितना मेरा सेल वैल्यू है उसमें से मैं कुछ माइनस कर दे रहा हूँ, राइट। तो देखिए कितना है, 2%, तो लिखिएगा -2, रेट के कलम में लिखिएगा -2 और आपको एंटर प्रेस करना है, और देखिए खुद ब खुद वो लेस हो गया। देन आपको एंटर प्रेस करना है, देन आपको एंटर प्रेस करना है, और अब हम लोग चार्ज करने वाले हैं CGST एंड SGST। तो CGST, और देखिए हम लोग हमें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, टैली खुद ब खुद ही कर लिया। दूसरा क्या लगाएंगे, SGST। तो लिखिए S, और देखिए SG, और देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में ऑलरेडी आ चुका है, आपको फिर से एंटर प्रेस करना है, और देखिए ये कैलकुलेट, और देखिए GST चार्ज हो चुका है आपका, एंटर प्रेस करना है। प्रोवाइड ई वे बिल, ये आपको फिलहाल नो रखना है, ओके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम लोग ई वे बिल समझेंगे तब मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं, नो प्रेस कीजिए और एंटर, फिर एंटर करना है। रेफरेंस, न्यू रेफरेंस क्या होगा, न्यू रेफरेंस एंटर प्रेस करना है। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, अगर ये आप जानना चाहते हैं, देन देखिए मैं आई बटन पे लिंक दे चुका हूँ, मैंने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में समझाया है कि क्या होता है ड्यू डेट्स और क्रेडिट डेज एंड वाउचर एंट्रीज। वाउचर क्या होते हैं, आपको एंटर करना है, एंटर करना है, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। हमने जो ये ट्रांजेक्शन का एंट्री पास किया, अब मैं उसको सामने वाला को जो जॉय ट्रेड्स है उसको ये देने वाला हूँ क्या। तो पेजअप कीजिए आप, पहले आप उसे बिल देंगे, कैसे देंगे, ऑल्ट प्लस पी, देखिए करंट में ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको एंटर प्रेस करना है, और प्रिंट करने से पहले आप पहले देख लेना चाहते हैं कि कैसे दिखता है हमारा इनवॉइस। तो आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करना है, प्रीव्यू तक पहुंचना है और एंटर। अब दिख तो रहा है पर बहुत छोटा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस जेड करके हम लोग जूम करेंगे, और देखिए हम लोग ये बिल उसको देने वाले हैं, किसको, जॉय ट्रेड्स को, इसका प्रिंट आउट निकाल के। और देखिए यहां पर RR ट्रेडर्स के नीचे ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है लिखा हुआ है, वहां पर जो ओनर है वह साइन करेगा। फिर आपको अब इसको एस्केप कर दीजिए, हमने तो उसे बिल इशू किया, अब उसी बिल के हिसाब से मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो उस वो पे कर रहा है हम लोग को, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो इनकम आप किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं, इनकम ट्रांजेक्शन। तो F6 प्रेस करके हम लोग रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट हम लोग किससे पा रहे हैं, अब इतना सारा अमाउंट है थोड़ी ना कैश दे देगा, दे भी सकता है पर हम लोग बैंक मिलेंगे, ओके। तो लिखिए बैंक, उप्स हमने तो अभी तक बैंक का लेजर क्रिएट किया नहीं है, ओके। आपको इसे ऑल्ट प्लस सी करके इंस्टेंट लेजर क्रिएशन, और यहां पर बनाइए बैंक SBI, अंडर तक पहुंचना है, ये होगा बैंक अकाउंट। डाउन एरो की प्रेस करते हुए बैंक अकाउंट तक पहुंचना है और एंटर, और आपको कंट्रोल लेकर के इसे ऑटो सेव कर देना है। मेरे को जो पैसा आ रहा है वो किस कौन सा मीडियम से आ रहा है, बैंक के मीडियम से आ रहा है, पैसा तो आ रहा है पर किससे आ रहा है, पर्टिकुलर्स में होगा, जिससे आ रहा है जॉय ट्रेड से। तो लिखिए जॉय, और देखिए ऑलरेडी आ चुका है, अमाउंट कितना है, अमाउंट अब कितना है, देखिए यहाँ पर नीचे 55,200 करेंट बैलेंस के साइड में, देखिए डेबिट मतलब हमें उससे इतना पैसा मिलता है। तो लिखिए 55,200, और आपको इंटर प्रेस करना है, अगेंस्ट रेफरेंस होगा, कैसे, अरे जो बिल मैंने उसको इशू किया उसी के अगेंस्ट में तो मुझे पैसा मिलेगा, राइट। आपको सिर्फ ये अगेंस्ट बिल पे एंटर प्रेस करना है, और देखिए सब कुछ डिटेलिंग्स पूरा आ चुका है कि बिल कब दिया गया था, बिल का नाम क्या है, और कितना पैसा हम लोग उससे पाते हैं। आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और इसे एक्सेप्ट कर देना है। देन ये चेक चेक के थ्रू से मिल रहा है, अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं देन आपको सिंपली स्पेस बार प्रेस करना है फ्रॉम कीबोर्ड, और देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप्स आ गया है। अगर आप और ज्यादा देखना चाहते हैं देन डाउन एरो की प्रेस करते हुए आपको सो मोर तक पहुंचना है और एंटर, और देखिए कितना सारा ऑप्शंस अवेलेबल हो चुका है। फिलहाल हम लोग अभी चेक से रहने देते हैं, तो ये चेक रहने देते हैं। 55,000 इंस्टॉलमेंट नंबर मतलब कौन सा चेक, चेक नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, तो लिख देते हैं 101001, मतलब बैंक नेम, मतलब किस बैंक से वो हमें पैसा ट्रांसफर कर रहा है। तो उसका सोच लीजिए कोई बैंक होगा, से HDFC, उसका HDFC बैंक है, मेरा SBI बैंक है, तो वो अपना HDFC बैंक से मुझे ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर कैसे मेंशन करेंगे, स्पेस बार क्लिक करना है, और देखिए स्पेसिफाई बैंक नेम, आपको अप एरो की प्रेस करते हुए वहां तक पहुंचना है और एंटर, यहां पर लिख दीजिए
HDFC, एंड आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। ओके थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।